हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास टेंथ का हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारे पाठ का नाम क्या है? रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। इसके पहले मैंने आपको शब्द और पद में अंतर बताया था। जो हमारा पहला पाठ था वो व्याकरण का शब्द और पद में अंतर वो बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, है ना। हमारे पाठ का नाम है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य सभी को पता है ना, लेकिन वाक्य का सही परिभाषा क्या है? कि एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। अब पूर्णता मतलब एक विचार को, ये हमारे विचार अच्छे विचार यदि हम उसमें लिखना चाहें, वाक्य बनाना चाहें, तो क्या होता है? विचारों को ही तो लिखा जाता है। तो एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने के लिए करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। शब्द समूह को सभी लोग जानते हैं, वाक्य कहते हैं, लेकिन कैसे सार्थक, जिसमें कि अर्थ छुपा हुआ हो, अर्थपूर्ण वाक्य हो, है ना, उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि अशोक पुस्तक पढ़ता है, राम दिल्ली गया। अब एक वाक्य में कम से कम दो शब्द कर्ता और क्रिया अवश्य होने चाहिए। एक वाक्य में जब हम वाक्य बनाएं, तो उसमें वाक्य बनाने में कम से कम एक वाक्य में कम से कम दो शब्द यानी कर्ता और क्रिया अवश्य होनी चाहिए। जब भी तो हम वाक्य को पूर्ण कर पाएंगे, उसमें कर्ता भी बताना चाहिए और क्रिया भी बतानी चाहिए, तो तभी वो वाक्य हमारा पूर्ण तैयार होता है, है ना। इसे आप ध्यान से देखिए, इसका एक एग्जांपल और दूंगी। अब एग्जाम्पल हमने आपको दिया था जब, है ना, कि अशोक पुस्तक पढ़ता है, राम दिल्ली गया। एक वाक्य में कम से कम दो शब्द होने चाहिए, कर्ता और क्रिया, है ना, ये अवश्य होनी चाहिए जब भी हमारा वाक्य पूरा बनता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि वार्तालाप की स्थिति में कभी एक शब्द भी पूरे वाक्य का काम कर जाता है ना। पूरा वाक्य नहीं भी बोले, लेकिन एक ही शब्द ऐसा होता है जो हमारे पूरे वाक्य का काम कर जाता है। जैसे वार्तालाप मतलब बातचीत की जरिए से, तो जैसे आप कहाँ गए थे, पूछते ना आप कहाँ गए थे, तो सिर्फ एक शब्द होगा जवाब, दिल्ली। आप कहाँ गए थे? दिल्ली। हो गया काम, बात समझ में आ गई, वो बात पूरी हो गया, यानी वाक्य कंप्लीट हो गया। फिर बीमार कौन है, अब पूछते हैं ना बीमार कौन है, तो एक ही सेंटेंस, माता जी, एक ही सेंटेंस में जवाब पूरा हो गया, आपका वाक्य वहीं पे खत्म हो गया। मतलब आप एक वाक्य भी ऐसा बोल देते हैं जिससे भी वाक्य पूरा हो जाता है, यानी वार्तालाप की स्थिति में कभी कभी जब हम बातचीत करते समय, है ना, बातचीत करते समय हम पूछ लेते हैं भाई कैसे है, क्या है, तो हमको एक ही शब्द से जवाब उसका मिल जाता है। तो वार्तालाप की स्थिति में कभी कभी एक शब्द भी पूरे वाक्य का काम कर जाता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वाक्य जो है, हम सेंटेंस तो बनाते हैं, वाक्य तो बनाते हैं, वाक्य को पूरी तरह से हम अपने विचारों को उसमें रखते हैं, लेकिन जब हम स्थिति ऐसी होती है कि कभी कभी हम बातचीत के रूप में पूछ लेते हैं कौन कैसा है, तो वो एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में, एक ही शब्द में उसका पूरा जवाब मिल जाता है, तो वहीं पर हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसे भी देखिए, इसके बाद हम आप चलते हैं रचना के आधार पर, जो हम हमारा पाठ का नाम है रचना के आधार पर वाक्य रचना, है ना, तो वो हम देखेंगे आगे।
हम जो देखने जा रहे हैं वे है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, रचना के आधार पर वाक्य। तो उसके कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं उसके? तीन प्रकार हैं। उसमें है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, उसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, है ना। तो पहला है सरल वाक्य, रचना के आधार पर, है ना। इसके पहले हमारा आपके जूम मीटिंग जो अप्रैल में हमारी जो क्लास हुई थी उसमें भी हमने इसको आपको समझाया था, लेकिन फिर से मैं इस लेसन को दोहरा रही हूँ। आप उसे विशेष रूप से ध्यान दें और उसे लिखिए अपने कॉपी में, है ना। तो ये आपका वर्क भी होगा, आपको करना भी होगा, ठीक है। तो रचना के आधार पर हमने पहला बताया था सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य एक्चुअली है क्या? तो सरल वाक्य है, सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य है, यानी स्वतंत्र रूप से वो अपने रूप में, अपना स्वतंत्र रूप लिए हुए वो उपवाक्य है। इसमें एक उद्देश्य, एक विधि और एक ही समापिका क्रिया होती है। यानी हम जब सरल वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधि होगा और एक समापिका क्रिया, मतलब जो हम उसके वाक्य को जहाँ पे हम समाप्त करते हैं, है ना। तो ये सरल वाक्य का ये रूप होता है कि सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य है। इसमें एक उद्देश्य, एक विधि और एक ही समापिका क्रिया होती है। इसके आगे और बताती हूँ, इसे आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। तो हमने देखा रचना के आधार पर ये इसके तीन भाग हैं, है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, है ना। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला वो उपवाक्य है। इनमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया होती है, जिसमें सरल वाक्यों में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया और क्रिया विशेषण में से कुछ घटकों का प्रयोग होता है। उसमें जैसे सरल वाक्य में जब हम बनाते हैं, सरल वाक्य को हम जिस तरह से लिखते हैं या बना बोलते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है सरल वाक्य में? कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया और क्रिया विशेषण में से कुछ घटकों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, नकुल हंसता है, नकुल हंसता है, सरल वाक्य है ना, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, नकुल हंसता है। रजत रुचि का छोटा भाई है, रजत कौन है, उसने क्या बताया, रुचि का छोटा भाई है। पूछा रजत कौन है, तो रजत रुचि का छोटा भाई है। तीसरा है बालक खेलता है, बालक खेलता है। चौथा है राधा धीरे धीरे चल रही है, यहाँ क्रिया विशेषण बताया ना, यानी हम यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताया है, यहाँ पे क्रिया है बताया। तो ये सब चीजें कर्ता भी है, कर्म भी है और उसके साथ साथ आपका क्रिया विशेषण भी इसमें है। तो हमारा जब सरल वाक्य जब बनता है तो सिंपल सेंटेंस में ये सब चीजें होनी जरूरी होती है, कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया, क्रिया और क्रिया विशेषण, है ना। तो इसे भी आप ध्यान से देखिए और इसे नोट करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, ओके।
उसका दूसरा रूप देख रहे हैं संयुक्त वाक्य, है ना। संयुक्त वाक्य क्या है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा जुड़े हुए हो परंतु उसे उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे, फिर से हम एक बार में पढ़ के बता रहे हैं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको कि अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती, है ना। तो दो वाक्य को जोड़ा गया है ना, दो वाक्य में योजक शब्द बनाया या समुच्चय बोधक शब्द जो है तो वो जोड़कर हम ये संयुक्त वाक्य को बनाते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती, है ना। तो ये दो वाक्यों को आपस में जोड़कर एक तो योजक शब्दों से योजक से जोड़ा जाता है, दूसरा उसमें समुच्चय बोधक शब्दों से उसे जोड़कर वो सेंटेंस बनाया जाता है, वो वाक्य बनाया जाता है। इसे भी आप ध्यान से देखिए, इसे भी इसकी भी परिभाषा लिख दीजिए, है ना। और भी एग्जाम्पल मैं इसको फिर देती हूँ आपको संयुक्त वाक्य वाले, उसमें और भी यही लगता है, और भी जो जो है और भी मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में लिख कर बताती हूँ। तो संयुक्त वाक्य के कुछ और उदाहरण है, जैसे यहाँ पे दिया है कि आशीष पुस्तक पढ़ता है और शीला लेख लिख रही है ना। दो सेंटेंस है उसको आपस में जोड़ा गया है जिसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं, और लगाया गया है ना। परंतु भी लगाते हैं और भी लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर और लगेगा वहाँ पे और लगेगा, जहाँ पे परंतु लगेगा तो उस वाक्य में परंतु लगाना पड़ेगा। तो पहला वाक्य है आशीष पुस्तक पढ़ता है और शीला लेख लिख रही है, है ना। दूसरा है आप चाय पिएंगी या आपके लिए ठंडा लाऊं, आप चाय पिएंगी या आपके लिए ठंडा लाऊं, है ना, या शब्द आया है बीच में। तीसरा है मोहन बीमार है अतः आने में असमर्थ है, मोहन बीमार है अतः आने में असमर्थ है। तो ये संयुक्त वाक्य के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इसे भी लिख लीजिए, है ना। तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। इसके बाद में आएंगे हम मिश्रित वाक्य में, मिश्र वाक्य में जिसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दें, इसका तीसरा वाक्य हम देख रहे हैं, वो है मिश्र वाक्य। जिस वाक्यों में प्रधान उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है, है ना। मिश्र वाक्य में उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे कि, यानी परस्पर जब जोड़ते हैं उन शब्दों को, जब वाक्य को जोड़ते हैं तो उसमें व्याधिकरण योजकों जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं, है ना। जब भी हम मिश्र वाक्य बनाए तो उसमें जब व्याधिकरण योजक किसे कहते हैं, जैसे जो जो शब्द जैसे यद्यपि, तथापि, तो, यदि, ऐसे शब्दों का
हम यहाँ पे जहाँ पे बीच में उस इस्तेमाल होता है वहां पे उसका उपयोग होता है वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। इसे भी आप देख लीजिए, इसे भी लिख लीजिए, है ना। इसके एग्जाम्पल अभी मैं लिख के दे रही हूँ आपको बता रही हूँ। ओके, तो ये उसकी उदाहरण है, इसकी मिश्र वाक्य की उदाहरण है कि मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। जो शब्द बीच में आया है ना, वो भी क्या किसमें आता है, मिश्र वाक्य में आता है। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था, है ना। दूसरा है, यद्यपि मोहन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तथापि फेल कभी नहीं होता, है ना। तो यद्यपि और तथा ऐसे शब्द जब आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे, वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। तो ये एग्जांपल आपको मिश्र वाक्य के लिए मैंने, और ये तीनों वाक्य यहाँ पर बताया मैंने, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीनों एग्जाम्पल सहित बताया है। इसे आप नोट करना अपने पास में और अपनी कॉपी में इसे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हम इसका देखते रहेंगे। ये रचना के आधार पर जो हमने पढ़ा इसको भी आपने देखा, हमारे पाठ का नाम है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए और इसके एग्जाम्पल्स और भी मैं आपको आगे बताते रहूँगी, या आपको मैं मतलब होमवर्क इस तरीके से दूंगी तो आप उसे इस जो मैंने अभी पढ़ाया है इसे देखते हुए आपको एग्जाम होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।